Journal. Samam Hasam Ravi Putram Yama. Sambhutam Tam Namami Shanaischaram. शनि कुंडली में जिनका स्थान इंसान का जीवन बदल सकता है, जिन्हें संसार दंड नायक समझता है, परंतु सच तो ये है कि ना शनि का कोई शत्रु है और ना ही मित्र। वो समान भाव से न्याय करते हैं, बुरे कर्मों का दंड देते हैं तो अच्छे कर्मों का पुरस्कार भी। वो दंड अधिकारी नहीं, न्याय अधिकारी है। कष्टदाता नहीं, कर्म फलदाता है। क्या आप जानते हैं क्यों इन्हें ही कर्म फलदाता बनाया गया? ये जानने के लिए चलते हैं लाखों वर्ष पूर्व की समय यात्रा पर, जब ना हम इंसानों का अस्तित्व था, ना इस धरती का कुछ था, तो आकार ले रहा अंतरिक्ष, देव और दानव, और साथ में था उनकी शक्ति का अहंकार, थी लालसा स्वर्ग पर अधिकार की, और था इस लालसा से जन्म लेने वाला, लगातार चलने वाला देवासुर संग्राम। देवता थे अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में। और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। हर बार हारते हो शुक्राचार्य, परंतु स्वर्ग पर अधिकार की मनोकामना नहीं हारती,
ये इच्छा हार गई तो स्वर्ग कैसे जीतेंगे इंद्र? ये मत भूलो इंद्र, ये दत्त भी तुम्हारे ही पिता की संतान है। इस स्वर्ग पर उनका भी समान अधिकार है। अधिकार? आश्चर्य। शुक्राचार्य, रत्न तो इन पादुकाओं में भी जड़े हैं, परंतु इन्हें मुकुट बनाकर शीश पे धारण नहीं किया जा सकता। तुच्छ दानव, देवराज इंद्र के समक्ष तुम कुछ भी नहीं हो। जब यही पादुका शीश पर प्रहार करती है तो मुकुट गिरा देती है इंद्र। अब यह तुम्हारा सिंहासन और मुकुट हमारा होगा। इच्छा शुक्राचार्य, इच्छा के कांटे जब मन में चुभते हैं तो पीड़ा की अग्नि जन्म लेती है, और आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत पीड़ा में है शुक्राचार्य। परंतु आज मैं इस पीड़ा को आपके हृदय से खींच के बाहर फेंक दूंगा, और इन दानवों को इस सृष्टि से एक ओर जहां अधिकार और अहंकार का युद्ध चल रहा था, वहीं इस युद्ध से कहीं दूर सूर्यलोक में एक द्वंद और चल रहा था, कर्तव्य और भावना का।
देवी संज्ञा कहाँ है? पुत्री अमी, ये देखो नाना श्री ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है ना सुंदर खिलौना। हाँ पुत्री यम, क्या हुआ? माता कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी तुम्हारे पास। प्रणिपात देवी, सूर्यदेव अभिषेक के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संज्ञा, आह्वान नए दिन के उदय का हो या वर्षों से अस्त न हुए युद्ध का। सूर्य का समय पर पहुंचना आवश्यक है संज्ञा। अभिषेक करो। शीघ्रता करो। जानता हूं बहुत पीड़ा होती है तुम्हें, परंतु उससे अधिक आश्चर्य मुझे होता है कि सूर्य की पत्नी को अब तक उसका ताप सहने का अभ्यास नहीं हुआ।
अभ्यास कर रही हूँ देव, परंतु अभ्यास का अर्थ ये तो नहीं कि अपने पति के प्रेम का अधिकार खो दूं। मैं आपके प्रेम की शीतल छाया चाहती हूँ देव, परंतु आपके तेज का ताप मुझे भस्म करने को तत्पर रहता है। सृष्टि को प्राण देने वाले सूर्य देव, क्या अपनी पत्नी के लिए अपना तेज कम नहीं कर सकते? असंभव है संज्ञा, क्योंकि जो संपूर्ण सृष्टि के लिए जलता है वो किसी एक के लिए बुझ नहीं सकता, और वो एक आपकी अर्धांगिनी है देव। सूर्य लोक के वासी किसी लोक के यम और यमी आप ही के अंश है, उन्हें आपका ताप कष्ट नहीं पहुंचाता, परंतु मैं, मेरा क्या देव? चलकर प्रकाश तो दीपक भी देता है, पर अपने तल में छाया रखता है, शीतल रहता है। क्या आप अपने घर में शीतल नहीं रह सकते देव? अब इसे मेरी विवशता समझो या अपना प्रारब्ध। तुम्हारा पति दीपक नहीं, सूर्य है। सूर्य, तो क्या सूर्य के पास मेरे जीवन के इस अंधकार का कोई हल नहीं? अभी अभी तुमने दीपक का उदाहरण दिया संज्ञा, प्रकाश लाने के लिए दीपक को स्वयं जलना होता है। अपनी पीड़ा का हल तुम्हें स्वयं खोजना होगा संज्ञा। आपने ठीक कहा देव, अब ये हल स्वयं मुझे ही खोजना होगा। इस युद्ध और अन्याय का कारण केवल तुम हो इंद्र। अब समय आ गया है तुम्हारे सर्वनाश का। दंभना।
सूर्य देव। जीवन देने वाला जल भाप बनकर जला भी सकता है आचार्य, जिसके प्रकाश से आज तक सभी दैत्यों ने जीवन पाया है। आज उसी किताब से सब भस्म हो जाएंगे। आपने ठीक कहा था सूर्यदेव, आप अपना युद्ध स्वयं लड़ रहे हैं, तो मुझे भी अपनी समस्या से स्वयं लड़ना होगा। आपके इस युद्ध का कोई हल निकले या ना निकले, परंतु पिताश्री को मेरी इस पीड़ा का हल आज अवश्य देना ही होगा। न जाने कब समाप्त होगा ये युद्ध। इंद्र को प्रतिदिन नए अस्त्र चाहिए। कब तक बनाएगा ये अकेला विश्वकर्मा, कब तक? घाव देने के लिए अस्त्र ही बनाते रहेंगे पिताश्री, या घाव की पीड़ा शांत करने के लिए भी कुछ बनाया है? पति के पास पत्नी की पीड़ा का हल नहीं, क्या पिता के पास भी यही उत्तर है? पति के पास तो विकल्प है कि वो पत्नी से विमुख हो सकता है, परंतु पिता ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता। कहो क्या चाहिए तुम्हें? उपचार। शरीर की जलन कुछ देर में शांत हो जाती है पिताश्री, परंतु इस पीड़ा का अनुभव मन से नहीं जाता कि मैं अपने पति के समीप नहीं जा सकती, उनका ताप नहीं सहन कर सकती। तलवार से कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वो घाव ना दे? अग्नि जलाए ना, ये तो कल्पना ही अनुचित है। संज्ञा पुत्री, सूर्यदेव को पति के रूप में तुमने स्वयं चुना है, इसलिए उसका ताप भी तुम्हें सहना होगा। मुझे उपदेश नहीं, उपचार चाहिए पिताश्री। नहीं, कोई उपचार नहीं पुत्री। कोई उपचार नहीं? मैं नहीं मानती। विश्व का निर्माण करने वाले देव विश्वकर्मा के पास अपनी पुत्री की समस्या का कोई उपचार नहीं? मैं मान ही नहीं सकती। बस आप मुझे बता नहीं रहे पिताश्री, परंतु आज मैं जानकर ही रहूंगी। जब तक मुझे मेरी पीड़ा का हल नहीं मिल जाता, मैं यहां से नहीं जाऊंगी।
तो फिर जाना होगा। लंबे समय तक जाना होगा, सब कुछ त्याग कर अपने पति को, अपनी नन्ही संतान को, सबको त्याग कर जाना होगा संज्ञा, तपस्या के लिए। सूर्य के तेज के ताप का केवल एक ही उपचार है संज्ञा, घोर तपस्या। कर पाओगी? रह पाओगी अपनों से दूर? नहीं ना, मैं जानता था, इसीलिए मैंने अब तक यह हल नहीं बताया तुम्हें। जब परिस्थिति को बदला ना जा सके तो उसे प्रारब्ध मानकर जीना सीख लेना चाहिए पुत्री, तभी व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। पति के ताप की जलन से बचना है तो उसकी परछाई बनकर जीना सीख लो संज्ञा। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं। मिल गया, इंद्र की समस्या का हल मिल गया। रस बन गया जिसे किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डाला जाए तो ये उसका प्रतिरूप ले लेगा। अब मैं इंद्र को चाहे जितने भी अस्त्र दे सकता हूं, क्या चली गई?
के बल को ललकारा है तुमने शुक्राचार्य। दानवों के पक्ष में अभी कोई इतना सक्षम नहीं है जो देवों को नष्ट कर सके। नाश आज दानवों का ही होगा। अपनी नाश की चिंता नहीं है सूर्यदेव, क्योंकि हमारे साथ साथ तुम सभी देवताओं का अंत होगा। सारी सृष्टि का नाश हो जाएगा। इस सृष्टि के संहार के स्वागत के लिए सज हो जाओ इंद्र। उचित समय पे प्रकट हुए आप महादेव, नाश कर दीजिए इन राक्षसों का, नाश कर दीजिए। कौन रहो इंद्रदेव? पाप और पुण्य, न्याय अन्याय, इसका निर्णय करना ना तुम्हारे वश में है ना इन दैत्यों के। यदि न्याय का ज्ञान होता, कर्तव्य का भान होता, तो ये रक्तपात कभी ना हुआ होता। क्षमा करें महादेव, परंतु बार बार ये असुर ही हम पर आक्रमण करते हैं। आक्रमण के लिए देव हमें उकसाते हैं महादेव, छल करते हैं, छुपकर असुर योद्धाओं का वध करते हैं। ये छल और षड्यंत्र आप रचते हैं शुक्राचार्य, असुरों को उकसाते हैं आप शुक्राचार्य। इसमें उकसाना क्या, जब आप हमें स्वर्ग नहीं दे सकते हो तो कामधेनु और कल्पवृक्ष दे दीजिए महादेव। ऐसा सोचना भी मत शुक्राचार्य, सोचना भी मत, उन पर हमारा अधिकार है, देवों का अधिकार। और महादेव यदि ऐसा हुआ तो ये हम पर अन्याय होगा। एक ही पिता की संतान होने के बाद भी पक्षपात करने का अन्याय किसने किया? क्यों दानवों को पाताल मिला और देवताओं को स्वर्ग? क्योंकि हमारा स्वर्ग पर अधिकार है, देवताओं का अधिकार। मान हो जाओ दानव। लोभ, लालच और सत्ता की भूख ने आप दोनों के हृदय से न्याय की भावना को ही मिटा दिया है।
एक और विधाता, एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहे, पृथ्वी और मनुष्यों का सृजन होने जा रहा है। ऐसे समय में आप दोनों एक दूसरे का विनाश करने पर लगे हैं। तो आप ही न्याय करें महादेव, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। महादेव क्या न्याय करेंगे, वो भी तो देव ही है ना, और देवों का ही पक्ष लेंगे। दमनाथ, न्याय अन्याय, पाप और पुण्य, अब इसका निर्णय कोई और करेगा। पृथ्वी पर कर्म और फल का संतुलन अब कोई और करेगा। शीघ्र ही एक ऊर्जा पुंज अस्तित्व में आएगा, जो अपने पराए की सीमा से उठकर पृथ्वी के सभी प्राणियों को उनके कर्म के अनुसार फल देगा। तब तक यह संग्राम समाप्त। के ताप की जलन से बचना है तो उसकी परछाई बनकर जीना सीख लो संज्ञा। शरीर जलता है परंतु छाया नहीं, उरस बन गया जिसे किसी भी वस्तु या जीव की छाया पर डाला जाए तो ये उसका प्रतिरूप ले लेगा।
इतनी भयभीत क्यों हो संज्ञा? युद्ध अब समाप्त हो गया। प्रातःकाल में जो हुआ उससे चिंतित हो? हम देव हैं, परंतु हम भी भाग्य के अधीन हैं। कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं। अश्चर, आज तुम्हारा शरीर जला नहीं? प्रसन्नता हुई यह देखकर कि तुम्हारा अभ्यास रंग लाया, अब तुम मेरा तेज सह सकती हो। परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे संज्ञा? बताओ संज्ञा, कैसे हुआ ये चमत्कार? बताओ संज्ञा। कैसे हुआ यह चमत्कार? बोलो संज्ञा। सूर्यदेव की जय हो। देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस समय थोड़ी देर पश्चात प्रस्तुत होता हूं। शरीर चलता है परंतु छाया कभी नहीं। पिताजी का आविष्कार सफल रहा, न तुम चली न सूर्यदेव को कोई संदेह हुआ। धन्यवाद महादेव, अब मैं अपना मंतव्य पूर्ण कर सकती हूँ। अपनी छाया को यहाँ छोड़कर तप करने जा सकती हूँ। छाया, यही कहकर पुकारूंगी मैं तुम्हें। यम, यमी, माता शीघ्र ही लौट आएगी। सुनो छाया, जी देवी, मेरी अनुपस्थिति में
तुम्हें मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करने होंगे। यम और यमी को इनकी माता की कमी अनुभव मत होने देना। मैं पूरा प्रयास करूंगी देवी कि यम और यमी को इनकी माता की कमी ना होने दो। इनका पूरा ध्यान रखना। और हाँ, यदि सूर्यदेव कोई प्रश्न करे तो मौन रहकर उन्हें क्रोधित मत कर देना। उनसे कहना कि पिता विश्वकर्मा ने तुम्हें औषधि दी है। समझ गई ना? जी देवी। इन्हें माता का पूरा प्रेम और देखभाल मिलेगी और सूर्यदेव भी अप्रसन्न नहीं होंगे। छाया, मेरे साथ आओ। जी। वो वृक्ष देख रही हो? जी। अब उस वृक्ष की छाया को देखो। छाया को वृक्ष से जुड़े रहने का अधिकार है, परंतु सीमा लांघने की अनुमति नहीं। स्मरण रखना, फल देना इस वृक्ष की छाया के अधिकार में नहीं। तुम भी मेरी छाया हो। मेरे उत्तरदायित्व पूर्ण करोगे, परंतु मेरे अधिकार पर दृष्टि मत डालना। और मेरा अधिकार है स्वयं सूर्यदेव। सूर्योदय से छाया बननी प्रारंभ होती है और सूर्यास्त पर समाप्त। सूर्यास्त के पश्चात मेरे पति के निकट भी मत आना। समझ गई ना? तुम संज्ञा नहीं, छाया हो। मेरे पति की छाया से भी दूर रहना। आज्ञा का पालन होगा देवी। हमें सीमा में रखेगी वो शक्ति। हमें, हम देव हैं, देव विधाता की सर्वश्रेष्ठ रचना। आप निश्चिंत रहे इंद्रदेव, महादेव का निर्णय कभी अनुचित नहीं हो सकता। Yeah.
इसका कोई शत्रु होगा, ना मित्र, ना ये संबंध देखेगी, ना प्रतिबंध, सब इस शक्ति के अधीन रहेंगे। जैसे सूर्यदेव निष्पक्ष होकर समस्त संसार को अपना प्रकाश बांटते हैं, उसी तरह न्याय की अधिकारी इस शक्ति में सूर्यदेव का यह गुण विद्यमान होना अति अनिवार्य है। इसलिए उस शक्ति का सूर्यदेव के घर में जन्म लेना ही उचित होगा। रात्रि हो गई संध्या, विश्राम नहीं करोगी? यम अभी पूर्ण रूप से सोया नहीं है देव। संध्या, तुम एक माता होने के साथ साथ एक पत्नी भी हो, पर अपने पति के लिए भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य है। मैं वो गया, जब तुम मेरा तेज सहन कर नहीं पाती थी, तब तुम मेरे प्रेम की शीतलता की कामना करती थी, और अब जब तुम मेरा तेज सह सकती हो तो ये निष्ठुरता क्यों, मेरे आदेश की अवहेलना क्यों? मुझे अपने कक्ष में तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। तुम एक माता होने के साथ साथ एक पत्नी भी हो। छाया को वृक्ष से जुड़े रहने का अधिकार है, परंतु अपनी सीमा पार करने की अनुमति नहीं। मुझे अपने कक्ष में तुम्हारी उपस्थिति चाहिए। मेरे पति की छाया से भी दूर रहना, दूर रहना, दूर रहना, दूर
कर्म फलदाता का आगमन हो गया है नारायण, परंतु आप भावुक क्यों दिख रहे हैं? प्रकाश देने वाले को स्वयं जलना होता है और न्याय करने वाले को स्वयं सबसे अधिक अन्याय सहना होता है। जिसे भविष्य में न्याय करना है उसे वर्तमान अन्याय से परिचित होना ही पड़ेगा। स्वागत है देवी संज्ञा। आज मेरी एक और भुजा बढ़ गई है। मुझे विश्वास है कि सूर्य का पुत्र सूर्य के समान ही तेजस्वी होगा। सारा संसार उसकी रूप की उपमा देगा। तुमने मुझे एक और पुत्र देकर अपने कर्तव्य का पालन किया। अब मैं अपने पुत्र का नामकरण करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मुझे अपने पुत्र का मुख दिखाओ संज्ञा। मैं इसका तेज और वर्ण देखकर इसका नामकरण करूंगा। मेरा पुत्र नहीं हो सकता। जो प्रकार तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.